Michelle, I ask me your English teacher. How are you? I hope you are safe and healthy at your home. Student, मैं आज आपको ये advice देना चाह रही हूँ कि रमजान मुबारक के महीने में इबादत और रियाजत में आप लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ हैं और रहना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है आप अपने स्टडी पर भी तवज्जा दें, क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होगा आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो डेली का वर्क जो है डेली बेसिस पे कीजिए, ताकि ना सिर्फ आपकी लर्निंग होती रहे बल्कि आप अपने एग्जाम की तैयारी भी करते रहें। ओके स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो लेसन है हमारा वो है द रिफ्यूजी। द रिफ्यूजी है लेसन आपका, तो ओपन योर बुक। ओके स्टूडेंट, ओपन योर बुक पेज नंबर 126। चैप्टर है द रिफ्यूजी। रिफ्यूजी कहते हैं महाजिर को। महाजिर ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करके आए, ठीक है। द स्ट्रेंजर कम टू योर हाउस एट नाइट एंड आस्क फॉर सम फूड एंड शेल्टर। सपोज करें अगर एक गैर मुल्की जो है आपके घर पर आए और या रात को आए और आपसे जो है खाना और छत के लिए पूछे, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे। हाउ विल यू डू, हाउ विल यू डिसाइड, आप क्या फैसला करेंगे। वेटर यू शुड और शुड नॉट हेल्प द पर्सन, आपको उस शख्स की मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। डिस्कस दिस इन योर ग्रुप और थ्री और फोर एंड प्रेजेंट योर व्यू टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। ये कहा गया है कि आपने इस ख्याल को कि डिस्कशन अपने ग्रुप में करनी हो, इसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो ये जस्ट एक आपको मैंने रीड करके बताया है। सीन वन है, ये एक ड्रामा है जिसका सीन है सीन नंबर वन। इन अ रूम इन द हाउस ऑफ जादव राणा अ लोकल चीफ्टन ऑफ संजान इन गुजरात द ईयर इन 936 AD, यानी ये 936 ईस्वी की बात है कि जादव राणा गुजरात का जो बड़ा हाकिम था वो अपने घर पर एक रूम में है। जादव राणा एंड अ मेंबर ऑफ अदर मेन आर प्रेजेंट। जादव राणा और नंबर ऑफ अदर मेन आर प्रेजेंट, यानी और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। टू सर्वेंट स्टैंड बिसाइड हिम फैनिंग हिम, दो सर्वेंट जो हैं यानी दो मुलाजिम उसके पीछे पंखा झल रहे हैं। जादव राणा इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, जादव राणा जो है अपने तख्त पर बैठे हैं। सराउंडिंग बाई हिज एडवाइज़र, एडवाइज़र यानी नसीहत करने वालों के दरमियान। दे आर इन द मिडल ऑफ ए डिस्कशन, ये एक बहुत ही अहम डिस्कशन हो रही थी। सडनली देयर इज़ एन इंटरप्शन, अचानक से मुदाखलत हुई। अ मैसेंजर रश इन बोज बिफोर जादव राणा एंड स्टैंड विद बो हेड वेटिंग फॉर परमिशन टू स्पीक, यानी अचानक से एक इंटरप्शन हुई यानी मुदाखलत हुई। एक मैसेंजर यानी एक पैगाम पहुंचाने वाला जो है वो तेज़ी से आया जादव राणा के पास और वहाँ खड़ा हो गया और बोलने की यानी बात करने की इजाज़त के लिए का इंतज़ार करने लगा, यानी बोलने की लेने की। जादव राणा जादव राणा इम्पेशेंटली, डोंट यू सी डेट वी आर इन द मिडल ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। जादव राणा बोलते हैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ। डिड एनी बॉडी गिव यू परमिशन टू इंटरप्ट, क्या किसी ने तुम्हें मुदाखलत करने की इजाज़त दी है। अस सो रूडली, उसने बहुत ही सख्त रवैये से कहा। वेल मैन स्पीक, अच्छा आदमी बोलो। टेल मी क्विकली व्हाई यू हैव कम रशिंग इन, तुम यहाँ बहुत तेज़ी से क्यों आए हो। मैसेंजर वेरी फ्राइटेंड, मैसेंजर यानी पैगाम पहुँचाने वाला जो है बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हुआ। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दे माई लॉर्ड, आई कम ओनली बिकॉज इट इज़ अर्जेंट, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। अंचल लाना हिमसेल्फ आस्क हिम टू कम स्ट्रेट टू यू एंड टू ब्रिंग यू दिस मैसेज, अंचल लाना ने मुझे आपके पास भेजा है ये पैगाम लाने के लिए। इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट अर्जेंसी, ये बहुत ही अहम मसला है। जादव राणा वेल गिव मी द मैसेज देन, चलो फिर मैसेज बताओ। द मैसेंजर हैंड ओवर अ स्क्रॉल टू वन ऑफ द सर्वेंट, मैसेंजर ने जो है कागज़ का पलंदा जो है यानी एक कागज़ का पलंदा जो है एक मुलाजिम को दिया। द सर्वेंट ऑफर इट
टू ज़ादव राना। सर्वेंट ने उस ज़ादव राना को ऑफर किया। ज़ादव राना सिग्नल टू वन ऑफ हिज एडवाइज़र टू टेक द रो स्क्रॉल एंड रीड इट। ज़ादव राना ने अपने एक एडवाइज़र जो है यानी नसीहत करने वालों को इशारा किया कि वो पढ़े। एडवाइज़र, आई रीडिंग द ओपन स्क्रॉल, रीडिंग वन, रीडिंग द ओपन स्क्रॉल टू हिज टू हाइनेस ज़ादव राना रूलर ऑफ संजान फ्रॉम हिज हम्बल सर्वेंट आंचल राना। उसने सबसे पहले कागज़ का ऊपरी हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा था कि ज़ादव राना हुक्मरान ऑफ संजान है, और किसने लिखा है, उसके सर्वेंट आंचल राना।